कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल अंडर ₹800। यस गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई है, लाइक प्लाजोस, कफ्तान सेट, कुर्ती सेट एंड चंदेरी कुर्ती, जो बहुत अच्छे क्वालिटी के मुझे रिसीव हुई है। यस, तो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। इनमें से कुछ कपड़े मैंने घर पर वॉश भी किए हैं और इट रिमेन्स सेम। मेरे लिए क्वालिटी कपड़े की बहुत मैटर करती है। वॉशेबल कपड़े अगर धोने के बाद ख़राब हो जाते हैं तो वो ब्रांड मेरे लिए टर्न ऑफ हो जाता है। मैं उस ब्रांड से कभी कपड़े नहीं खरीदती हूँ। वैसे भी 2 महीने में मैंने 6 kgs पुट ऑन किए हैं बिकॉज ऑफ माई फेस पैरालाइजेस और स्टेरॉइड की वजह से, तो थोड़ा सा ओवर वेट लग सकता है। एंड मैं सोच रही थी ना कि मैं पहले वेट लूज़ कर लेती हूँ फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, बट तब तक मेरे कपड़े यूज़ होके फट भी जाएंगे, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा ट्राई ऑन हॉल 1x1 अंडर ₹800। इस तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर बनाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम कैजुअल ड्रेसेस के साथ करते हैं। पहला जो मेरा ड्रेस है ग्रीन एंड व्हाइट प्रिंट में है, एंड इस ड्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक है, वो चीप वाला फैब्रिक नहीं है, पॉलिएस्टर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, बहुत ही लाइट वेट लगता है, तो समर्स में ना बहुत अच्छा लगेगा इसे पहनने के बाद। एंड सबसे अच्छी बात है इसका जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है विथ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ। मैं दिखाती हूँ, यस ये यू नो यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन भी बना है। एंड इसके साथ आपको पफ स्लीव भी मिल जाता है, आप इसे प्लाजोज एंड लेगिंग के साथ भी वेयर कर सकते हो, जो मैं हमेशा कैजुअली वेयर करती हूँ, और इसे आप एज अ ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये कुर्ती मंगाई है ब्रांड विशू से, और मैंने इसे 6-7 times वॉश भी किया है, बट इट रिमेन्स सेम। कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं दिखा है इसमें। जो आपको मल्टी कलर प्रिंट दिख रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं गाइज। इसमें आपको कॉलर मिल जाता है और फ्रंट बहुत सारे, इसमें आपको बटन्स भी दिखेंगे एंड फ्रंट आपको इसमें स्लीव्स भी मिलेंगे, जो पहनने पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप इसे प्लाजोज एंड लेगिंग्स साथ स्टाइल कर सकते हो। कैजुअल वेयर में भी ये बहुत अच्छा दिखता है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था। अनोक ब्रांड की ये कुर्ती मुझे दिखी थी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो मैंने इसे ले लिया। एंड मैंने इसे स्पेशली लिया था घर पे पहनने के लिए, तो रस्ट कलर में ना ये वाइट प्रिंट, ऑरेंज प्रिंट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इसमें आपको टाई अप नेक मिल जाता है इस तरीके का, एंड 3/4 इसमें आपको स्लीव्स भी मिल जाते हैं। पहनने के बाद ये बहुत ही कम्फर्टेबल है गाइस, और ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है, बट ये हल्का नहीं है, थोड़ा सा थिक है, तो मुझे इसका फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा। इसे भी मैंने कम से कम 2-3 बार तो धोया हुआ ही है, एंड रफली यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप रेगुलर इसे पहनो और धो, काफ़ी लंबा चलेगा। मेरे पास ग्रे कलर का कुछ भी नहीं था, तो मैंने जब एथेना ब्रांड का ये मैक्सी ड्रेस देखा तो मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगा। इसमें ब्लैक और ब्लू प्रिंट है विथ लाइनिंग के साथ, मैं दिखाती हूँ, यस अंदर आपको ब्लैक लाइनिंग मिल जाती है, हल्का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, इस तरह की ड्रेसेस जब आप खरीदते हो ना, तो थोड़ा बहुत अगर वेट पुट ऑन भी हो जाए तब भी आप इसे वेयर कर सकते हो। यस, इसलिए मैंने इसे खरीदा था विथ लाइट वेट, हल्का हल्का फीलिंग। समर्स में इस तरह के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं जो हल्का फील कराते हैं। एंड इसमें जो नेक है ना, वो टाई अप नेक है इस तरीके का, और लॉन्ग स्लीव्स हैं, तो आप इसे कैजुअल भी बहुत इजीली वेयर कर सकते हो विथ स्टाइलिश लुक के साथ, अफोर्डेबल प्राइस के साथ और वॉशेबल इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा डील है। ड्रेस जो मैंने वेयर किया है वो ब्रांड हर्पा से है, और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब मुझे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। इसमें आपको पिंक कलर के फ्लोरल प्रिंट मिल जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लगा था। एंड इसमें आपको पफी स्लीव्स मिल जाते हैं विथ ब्रॉड स्क्वायर नेक, जो बहुत ही हॉट वाली फीलिंग आपको देगा, एंड बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है, तो हैवीनेस की कोई झंझट ही नहीं। वैसे तो ये है ड्रेस ही, बट मैं इसे प्लाजो के साथ भी पहनती हूँ, जब मुझे यू नो मम्मी घर जाना है या रियान के स्कूल जाना है और छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर जाने होते हैं। बड़ा ही स्टाइलिश दिखता है, बड़ा ही कम्फर्टेबल है और अफोर्डेबल तो है ही। बैक में डिज़ाइन के साथ आपको इलास्टिक भी मिल जाता है, तो अगर आपका वजन 2-4 किलो बढ़ भी जाए तब भी आप इस ड्रेस को पहन सकते हो मेरी तरह।
ब्रांड विशु से मैंने दो प्लाजोज भी खरीदे हैं जो मुझे अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा ऑफर मिला, तो मैंने ले लिया। पहला रेयन फैब्रिक का है इन कलर पिंक, इसमें मरून और वाइट कलर के बहुत खूबसूरत प्रिंट बना हुआ है गाइज। तो अगर आप वाइट कुर्ताज पहनना पसंद करते हो मेरी तरह, तो आप इस तरीके के प्लाजो ट्राई करो, बहुत अच्छा दिखेगा। पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेट लुक देता है जो काफ़ी अच्छा दिखता है, एंड होम वॉशेबल है, आप इसे रफली पहन सकते हो। विशु ब्रांड का ही ये प्लाजो है एंड ऑफ वाइट कलर है, कॉटन फैब्रिक है, इसमें बेस चेक प्रिंट में मिल जाता है जो बेसिक सा काफ़ी अच्छा लुक देता है। अगर आप प्लाजो वगैरह पहनना पसंद करते हो तो इस तरीके का एक बेसिक प्लाजो आपके पास होना ही चाहिए। इसका जो फिट है वो फ्लेयर फिट है जो काफ़ी अच्छा लगता है। चिकन करी कुर्तीज मैंने मंगाए हैं ब्रांड स्वैग इंडिया इन कलर पिंक और मस्टर्ड येलो में, भर भर के इन दोनों में एम्ब्रॉयडरीज की हुई है एंड आपको लाने के साथ मिलता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है नो डाउट। दोनों कुर्तीज को मैंने अराउंड 75% ऑफ में लिया था, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने दोनों को ग्रैब किया। इसमें जो पिंक वाला है ना, इसमें इसका कलर तो बहुत ही अच्छा है, लाइक स्ट्रॉबेरी वाला पिंक। येस, एंड इसमें जो एम्ब्रॉयडरीज है गाइज, आप देख सकते हो बहुत डिटेल एंड क्लियर एम्ब्रॉयडरीज है, एंड इतने भर भर के किया हुआ है इसमें एम्ब्रॉयडरीज की मैं क्या ही बोलूँ। वैसे ये दोनों ही कुर्तीज़ में लाइनिंग दिया हुआ है तो बहुत ही रिच लुक देता है। जॉर्जेट फैब्रिक में भर भर के एम्ब्रॉयडरीज किया हुआ है इन पिंक कुर्ती में ना, फ्रंट और बैक दोनों में इक्वली एम्ब्रॉयडरीज किया हुआ है, लाइक ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है और ये हाथों का पोर्शन है, जहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज किया हुआ है। तो मस्टर्ड येलो कलर की ये चिकन करी कुर्ती मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी क्योंकि येलो कलर मेरा फेवरेट है, उसके साथ साथ इसमें एम्ब्रॉयडरी तो है ही, साथ साथ सीक्वेंस भी इसमें हैं जो इसे वाइब्रेंट और फेस्टिवल लुक देता है। तो झुमके दुपट्टा एंड प्लाजो के साथ इसे स्टाइल करना बहुत ही अच्छा लगेगा। येस, बिल्कुल फेस्टिवल वाली फीलिंग आएगी। एंड इसमें ना आपको बैक पर कोई काम नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रंट पर ही इसके एम्ब्रॉयडरीज हैं, बैक इसका पूरा खाली है लाइक दस। वैसे चिकन करी कुर्तीज़ मैंने बहुत सारे पहने हैं, बट फर्स्ट टाइम चिकन करी कुर्तीज़ विद सीक्वेंस पहनूंगी, तो यस कुछ अलग है। नेक्स्ट मैंने कुर्ती सेट मंगाया है संग्रिया ब्रांड से, बहुत ही खूबसूरत सा ऑलिव ग्रीन कलर है, मेरे पास इस कलर में भी कुछ नहीं था तो मैंने देखा तो मैंने ले लिया, अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा मिल रहा था। इसका जो कुर्ती है वो नी तक ही इसका लेंथ है, फ्रंट और बैक में आपको लो हाई लेंथ मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको इसका नेक की होल नेक मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे थ्रेड के एम्ब्रॉयडरीज किए हुए हैं, हाथों पर भी आपको नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज देखने को मिलेंगे। शाइनिंग फैब्रिक है तो काफ़ी अच्छा लुक देता है, इसके कमर में आपको इलास्टिक भी मिल जाता है जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेगा। फ्लेयर फिट है इसका, इसके पाँव पर आपको मिल जाएगा थ्रेड वर्क, तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल पीस है ये। नेक्स्ट कुर्ती सेट मैंने मंगाया है फ्रॉम ब्रांड गेरुआ, पर्पल कलर में है ये, एंड इसका जो दुपट्टा है वो कॉन्ट्रास्ट है, इसमें आपको ट्राउज़र कुर्ती एंड दुपट्टा तीनों का सेट मिल जाता है, एंड ब्लेंड सिल्क इसका फैब्रिक है। जितने भी मेरे पास सिल्क ब्लेंड के फैब्रिक है ना, उसमें से मुझे इसका फैब्रिक थोड़ा सा लाइट लगा, मे बी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है कपड़ों की, बट कोई नहीं। इसमें आपको बहुत सारे मिरर वर्क और थ्रेडिंग वर्क मिल जाएंगे नेक पर, जो इसे काफ़ी हैवी लुक देता है, हाथों पर भी आपको एम्ब्रॉयडरीज एंड मिरर वर्क मिल जाएगा और ट्राउज़र पर भी आपको थ्रेडिंग एंड मिरर वर्क मिल जाएगा, एंड इसके कमर पर आपको मिलेगा इलास्टिक जो आपके पैंट्स को ट्राउज़र को कंफर्टेबल बनाता है। इसका जो दुपट्टा है वो प्योर सिफोन का दुपट्टा है, तो काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें आपको मिलेंगे सिल्वर कलर के इस तरह के लेस जो इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अनॉक ब्रांड के कॉटन कुर्ता मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मेरी नज़र इस कफ्तान पर पड़ी जो ब्लू और वाइट में काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा था, एंड कॉटन फैब्रिक है, ब्रीथेबल है, समर अप्रोप्रिएट है, एंड साइज़ की तो कोई इशू ही नहीं है, कफ्तान है तो लूज ही आपको पहनना होता है। इसमें आपको सिल्वर कलर के लेसेस मिल जाते हैं थ्री साइड पर, मैं दिखाती हूँ, लाइक ये एक साइड
और यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे एक साइड, और आपको यहाँ फ्रंट में मिल जाता है टाई अप नेक। यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा सिल्वर लेस में जाएगा जाएंगे क्योंकि कफ्तान है, ढेर वाला होता है, तो इसके साथ ट्राउजर्स और लेगिंग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ब्रांड अनो की मैंने एक और कफ्तान मंगाया है इन कलर पीच, काफ़ी खूबसूरत सा ये कलर है। इसमें गोल्ड टोन फ्लोरल प्रिंट भी है जो इसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है। इसके दोनों साइड पर ना इस तरीके का आपको लेस वर्क मिल जाता है गोटा पट्टी डिटेल के साथ। ऐप में मेंशन है कि ये पॉलिस्टर फैब्रिक है, बट ये बिल्कुल भी पॉलिस्टर जैसा नहीं लग रहा है, ये कॉटन मिक्स लग रहा है और बहुत अच्छा फैब्रिक है। मैंने इसे 2-3 बार वॉश भी किया है बट इट रिमेन्स सेम, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिस्टर है क्योंकि पॉलिस्टर थोड़ा हल्का होता है ना, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं है। कोई नहीं, इसका जो नेक है वो वी नेक है, इसके और फ्रंट में एंड बैक में ना इस तरीके का इलास्टिक दिया हुआ है विद इस तरीके के नॉट के साथ, तो कफ्तान में भी मुझे कुछ अलग स्टाइल का दिखा। लिवास का मैंने 2-पीस कोट सेट लिया है, इसमें कुर्ती है एंड ट्राउजर है, दोनों का प्रिंट कॉन्ट्रास्ट में है। इसके कुर्ती में ना पीच एंड गोल्ड टोन फ्लोरल प्रिंट है जो इसे और ज़्यादा यू नो डिफरेंट और ब्यूटीफुल दिखाता है। कुछ मुझे अलग दिखा तो आई ग्रैब इट। स्मॉल कॉलर के साथ आपको फ्रंट बटन भी मिल जाएगा, इसका ट्राउजर स्टेट फिटिंग का है एंड इसके कमर में आपको मिल जाएगा इलास्टिक एंड साथ में मिल जाएगा पॉकेट्स दोनों साइड में। इसका फैब्रिक सॉफ्ट सिल्क है तो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है एंड बड़ा ही स्टाइलिश लगता है ये पहनने के बाद। ये सारे कपड़े मैंने खुद के लिए खरीदे हैं गाइस, और मैं सारे पहन रही हूँ खुशी खुशी बिंदास बिना किसी कंप्लेन के। आशा करती हूँ आपको पसंद आया। सारे प्रोडक्ट के डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, चेक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।